हेलो स्टूडेंट्स, दोस्तों आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन था कमेंट बॉक्स में कि सर 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में आंसर जो हम लिखेंगे उसका लेंथ क्या होना चाहिए। तो बेटा सबसे पहली बात इसमें मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, इसका आंसर मैं आपको ऐसे दूंगा कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है कि आपको पूछा क्या गया है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना। जैसे कि आपको यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल कॉल्बी रिएक्शन पूछा है, लाइक दिस, राइट अ केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड बाय कॉल्बी प्रोसेस। तो यहाँ पे ओनली केमिकल रिएक्शन पूछा गया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, स्टेट फैराडेज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। तो जो 3 या 4 लाइन है फर्स्ट लॉ में और 3-4 लाइन सेकेंड लॉ में, उतना ही लिखना है, उसको डिस्क्राइब नहीं करना। तो डिस्क्राइब लिखा है तभी डिस्क्राइब करेंगे, अगर स्टेट लिखा है या राइट ओनली रिएक्शन लिखा है तो ओनली रिएक्शन लिखेंगे या स्टेटमेंट ही लिखना है हमें। और लेंथ यहाँ पे जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन 5-6 लाइन में कंप्लीट कर सकते हो, 3 मार्क का क्वेश्चन जनरली 10-15 या 20 लाइन्स के अंदर कवर कर सकते हो, और 4 मार्क का क्वेश्चन जो है अगेन 20-25 लाइन्स के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो। बट अच्छे से, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और शांत दिमाग से सोचना है कि इसमें कितना लिखेंगे। थैंक यू दोस्तों।